नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग रंजीत क्लासेस फॉर साइंस एंड मैं चैनल आपको स्वागत है हम हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करना नहीं भूलिएगा उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जी अगर आप न्यू भी बारे तो अगर ओल्ड भी बारे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जी क्वेश्चन की तरफ से पहले चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्या कर लीजिएगा जी विश्व का सबसे चलते हैं क्वेश्चन तरफ विश्व का सबसे बड़ा लिखित में संविधानिक व्यापार संविधान किस देश का है तो ये जो देश का है तो लिखित और संवैधानिक किस देश का है उसके बारे में पूछ रहा है बताइए ये जो आपका है सो भारत का है किसका है भारत का है जी बता देते हैं कि हम लोग देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं भारत की विशेष संविधान भारत की संविधान विशेषताएँ देख रहे हैं देखते हैं इसका विशेषताएँ क्या क्या है कुछ कुछ डेटा अगर गलत भी लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है तो भारतीय संविधान ये आपका डी अशांत कठोर और अशांत लचीला है अशांत कठोर अशांत लचीला है नेक्स्ट देखते हैं भारत का संविधान किस प्रकार का है तो भारत का संविधान जो आपका है से नम्य और अनम्य है नम्य और अनम्य है भारत का संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य क्या है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य यही हुआ कि सभी नागरिक कानून के साम, सामने समान है मतलब तो तो सभी को कानून नागरिकों को भारत का कानून मानना होगा नहीं देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो सही है कि भारतीय भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है प्रजातंत्र यानी कहने प्रजातंत्र के मतलब कहने का है कि यहाँ पे जनता का प्रजातंत्र मतलब यहाँ प्रजा का ज़्यादा बात ये किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है तो ये जो सही आपका है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान बता देते हैं आपको कि लूसेंट का निचोड़ वीडियो मिलेगा आप इस वीडियो पे अगर न्यू भी बारे तो पहले लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें बेल घंटी के प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर ओल्ड भी आप हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तो कथन जो पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपायुक्त सभी है बताता है कि भारत के संविधान भारत में संसदीय पद्धति पर्दत, पद्धति की सरकार की व्यवस्था है जी बिल्कुल सही है भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र नगर पालिका का स्थापना की गई है जी भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था करता है जी सभी सही है नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें सभी में पूछ रहा था सही है इसमें पूछ रहा सही नहीं है तो बताना है आपको इसका जो है इस ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है कि संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान का मूल कर्तव्य शामिल है बिल्कुल गलत है ये गलत है बाकी सब सही है भारतीय संविधान निर्मित लिखित और संविधान सर्वाधिक व्यापक है मतलब भारत का जो संविधान है लिखित है आगे देखते हैं भारत का संविधान सम्रभुषात्मक लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्षित समाजवादी संविधान है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अब देखो उसमें गलत पूछा था अब सही पूछ रहा है तो सही पूछेगा यानी कि ऑप्शन आप नंबर आपका डी होगा तो अड्डी होने का मतलब कहता है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों का तत्व तत्वों तो का समावेशन किया गया बिल्कुल बहुत सा लिया गया जैसे आयरलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड लंदन ये सब लिया गया है वहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है जी यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है बिल्कुल सही नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान है भारत का संविधान कैसा है तो कठोर काम लचीला अधिक मतलब कठोर काम है और लचीला अधिक है मतलब पत... लचीला मतलब समझ ही रहे होंगे आप कि भारत का संविधान कैसा है ऐसे भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है तो भारत के भारतीय संविधान का जो स्वरूप है सो आपका संरचना में सदात्मक भावना में एकात्मक संरचना में सदात्मक और भावना में एकात्मक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्योंकि इसलिए कि केवल को संवैधानिक संशोधन आरंभ करने का अधिकार है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार जो एमपी लोग होते हैं उसी के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सॉरी डी हो जाएगा भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है क्या कहा जाता है वकीलों के स्वर्ग यानी कहा जाता है कि अधिक जैसे कुछ भी कुछ होता है तो वकील लोग ही इसका निष्पादन करते हैं तो इसीलिए बोला गया कि वकीलों का स्वर्ग है वो आगे बताता है कि भारतीय संविधान के सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा किसका पड़ा तो ये जो अधिक प्रभाव पड़ा सो आपका भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस पड़ा भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस का पड़ा नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से क्या किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है तो निर्धारित जो होता है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है कि भारत के संविधान परिसंघीय है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित तो है किस तथ्य पर आधारित है बताइए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार देखिए जी जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो लोग भी कुछ भी होता है या चुना जाता है जनता द्वारा यहाँ चुना जाता है अब बोलिए कि प्रधानमंत्री जनता तो नहीं चुनता है जी बिल्कुल एमपी चुनता है ना एमपी चुनता है तो जिसका जो बहुमत दल का नेता होता है उसे को प्रधानमंत्री चुना जाता है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट एमपी पी का होता है एमएलए का फुल फॉर्म है में, मेंबर ऑफ लेजिटिव होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में है भारतीय संविधान में तीन से अधिक आर्टिकल्स है जी बिल्कुल सही सुना आपने तीन सौ पचास से अधिक आर्टिकल्स है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है तो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है जो आप जानते हैं लेकिन बता देते हैं कि ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली से ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली से भारत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है तो इसमें जो सर्वोच्च है सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान नेक्स्ट देख देखते हैं भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण जो आपका है ऑप्शन तो नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इनमें इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार के संविधान है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है तो अभिभावक तो जो है पूछ रहा है तो अभिभावक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय भारत में व्यासक मताधिकार की उम्र सीमा क्या है मतलब कहने की व्यासक मताधिकार मत मताधिकार मतलब मत देने वाला मत देने वाला यानी जो वोट उठ होता है ना उसमें वोट उठ होता है ना उसके बारे में पूछ रहा है तो ये उसमें किस में हम कितना साल की उम्र में वोट दे सकता है तो इसे बताया गया है कि ऑप्शन नंबर ये अठारह वर्ष अठारह वर्ष में आप मताधिकार का मत मतलब मत दे सकते हैं आप भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेष विशेषता है तो इसका विशेषता जो है कि संविधान के सर्वोच्चता है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द को स्थान दिया गया है तो राज का संघ का किसका गया है राज का संघ का भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है तो ये अनुसूचियाँ इसमें दिया रहे तीन लेकिन ये आपका ये है नहीं इसे ज़्यादा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार की पुराना डेटा डेटा है इसमें ओल्ड डाटा दिया गया है कुछ कुछ भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है तेज प्राप्त करता है प्राधिकार सबका है सत्ताईस का सी भारत क्या जनता से भारत में वैध सम प्रभु सत्ता निहित है संविधान में किसमें निहित है संविधान में निहित है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है तो ये संरचना जो है से कुछ एकात्मक कुछ कठोर है भारत के संविधान के अधिनियम के कथनों में से कौन सा सही है तो ये जो सही है से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक, एक दो तीन एक दो तीन सही है आपका नेक्स्ट देखते हैं कि लिखित संविधान लिखित संविधान का अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था तो ये जो जन्म लिया था सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रांस फ्रांस लिया था नेक्स्ट देखते हैं कि अध्यक्षणात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था ये जो हुआ था आपका सो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है समायवादी राज्य किसे समयवादी राज्य नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का अर्थ अर्थात्मक है भारतीय संविधान ना तो सदात्मक है और ना ही एकात्मक इसको ऑप्शन नंबर बताना है ये कथन कर, निष्कर्ष दे दिया है तो अच्छा है रीजनिंग के क्वेश्चन जैसा दे दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है आगे देखते हैं इनमें से कौन सा भारतीय संघ संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है इसमें एकात्मक तत्व जो है सो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा दो तीन पाँच दो तीन पाँच राज्यपालों की नियुक्ति राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि अलिखित संविधान सेवाएं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है तो मूलभूत जो लक्षण है मूलभूत लक्षण है उसके बारे में पूछ रहा है तो मूलभूत लक्षण आपका है ऑप्शन आप नंबर हो जाएगा बी एक दो तीन एक दो तीन यानी एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है इसमें संसदात्मक रूप से भी खरकारा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता से निहित है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साक्षी है तो ये जो साक्षी है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा डी संविधान के व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था का सर्वोच्च है तो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सर्वोच्च है से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंह सी संघी संविधान नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के आप किस प्रकार वर्णन कर करेंगे तो अगर पूछा जाए तो किस प्रकार वर्गन कर वर्णन करेंगे तो ये वर्णन करेंगे ये आपका हो जाएगा विश्व के सबसे विशिष्ट संविधानों में से एक है भारतीय संविधान भारत का संविधान मान्यता प्रदान पर्द, करता है तो क्या मान्यता प्रदान करता है तो ये मान्यता जो प्रदान करता है तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्याओं को, को मान्यता प्रदान करता है जी दैट्स ऑल थैंक यू